मेरे पास कंटिन्यूसली फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में मैसेजेस आ रहे हैं कि राहुल भाई ये बताइए कि गूगल को भाईजान सलमान खान से क्या दुश्मनी हो गई है, क्यों गूगल बॉलीवुड वर्स्ट एक्टर्स में जो है भाईजान का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों बताता हूँ इसके पीछे क्या है टेक्निकल ग्लिच, किस वजह से भाईजान का नाम वर्स्ट बॉलीवुड एक्टर में आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं इसमें गूगल की कोई दुश्मनी नहीं है बॉलीवुड स्टार सलमान खान हमारे भाईजान से, बल्कि इसके पीछे है रेस 3 को मिल रहा रिस्पांस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रेस 3 को जिस तरीके से इंटरनेट में, जिस तरीके से सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा बैश किया जा रहा है, उसकी वजह से भाईजान सलमान खान का नाम सामने आ रहा है। क्रिटिक्स ले लीजिए और बाकी के ऑडियंस ले लीजिए, हेटर्स ले लीजिए, हर कोई भाईजान की बुराई कर रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाईजान के चाहने वाले अलग है और बॉक्स ऑफिस इस बात का गवाह है, तो भाईजान को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ऐसा होता है ना, गूगल के एल्गोरिदम में जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। दरअसल गूगल का एल्गोरिदम उन चीजों को पकड़ता है ज्यादा जो कि ट्रेंडी हो, और आजकल ट्रेंडी क्या है, भाईजान सलमान खान। आप जगह जगह देखिए रेस की ही बातें चल रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है। अब ऐसे में दोस्तों नेगेटिव जो बातें हैं, देखिए बॉक्स ऑफिस तो हम सब जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस में ट्रेमेंडस बिजनेस कर रही है फिल्म, लेकिन जो क्रिटिक्स बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स हैं, जो हेटर्स हैं, वो है ना ट्वीट करते हैं, वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया में ये वो, प्लस भाईजान की कुछ फोटोज हैं उसको वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से गूगल को वो गूगल के एल्गोरिथम में वो चीजें पकड़ में आ गई हैं। तो आप जब कभी भी ऐसे वर्स्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड अगर टाइप करेंगे तो वो सबसे पहले सामने आएंगे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, एल्गोरिथम हमेशा चेंज होते रहते हैं। अभी लोग रेस 3 की बुराई कर रहे हैं, आगे आने वाली काफी फिल्में हैं, फिर उसके बाद उन फिल्मों की जब बुराई करेंगे तो उसके एक्टर्स का नाम जो है सामने आ जाएगा। तो इसमें ना गूगल की गलती है, ना ही भाईजान की गलती है, ना ही जनता की गलती है। दरअसल जिस तरीके से रेस 3 को बैश कर रहे हैं जो हेटर्स और जो क्रिटिक्स, तो वो बेसिकली उसके चक्कर में ये ट्रेंडी पकड़ रही हैं चीजें। मैं तो चाहता हूं दोस्तों आप लोग जितना हो सके पॉजिटिव रिस्पांस दीजिए इंटरनेट में, चाहे सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म ले लीजिए, लेकिन पॉजिटिव एकदम रिस्पांस दीजिए, ताकि ये जो वर्स्ट एक्टर का है ना बेस्ट एक्टर में बदल जाए। आपको क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई कि क्यों गूगल ऐसा कर, गूगल में ये चीजें क्यों नजर आ रही है? इसमें गूगल का कोई दोष नहीं है, तो प्लीज उसको बैश मत कीजिएगा। ये वो एल्गोरिथम जो चेंज होता रहता है, जो ट्रेंड पकड़ता रहता है। ट्विटर में भी ऐसा होता है कि ट्रेंड पकड़ती है चीजें, तो जिस तरीके से ट्रेंड पकड़ती है उस तरीके से होगा। लेकिन अगर आपको कुछ कहना ही है इस बारे में तो कमेंट सेक्शन एज यूजुअल आपका है। स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एंड वी लव यू भाईजान।